ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राहुल जी को निमंत्रण दिया था इस यात्रा में शामिल होने के लिए, और राहुल जो उन्होंने इस यात्रा में आने की सहमति दी थी वो अपने पत्र से लिख कर दिया था कि मैं रायबरेली अमेठी में दोनों में से कहीं भी शामिल होऊंगा अखिलेश जी ने। और निश्चित तौर से मैं यही कहना चाहूंगा कि उनको इस यात्रा में वो शामिल होना चाहिए। और निश्चित तौर से जो बात ये चल रही है बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत ही अच्छे वातावरण में बात चल रही है, और बहुत ही जल्द इसका सकारात्मक परिणाम आएगा और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। अगर ये समझौता नहीं हो पा रहा है जो टिकट को लेकर, तो क्या लग रहा है रैली अमेठी सीट को लेकर क्या? निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा, सब लोग एक साथ हैं, सब लोग एक साथ लड़ेंगे रायबरेली अमेठी, और निश्चित पूरी तरीके से हम पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर चुनाव जीतेंगे। रायबरेली की सीट के लिए खासतौर से चर्चा है, सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़े, कौन लड़ेगा, प्रियंका जी, राहुल जी, या फिर कोई बाहर से कोई आएगा? देखिए, गांधी परिवार की सीट है, गांधी परिवार साथ रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पीढ़ियों से इस परिवार का यहाँ से नाता है, लोगों से घर का रिश्ता है, कोई सोनिया जी को अब माँ के रूप में देखता है, कोई परिवार का सदस्य देखता है, राहुल जी को भाई देखता है अमेठी। तो ये निश्चित तौर से आप ही देख सकते हैं कि अमेठी में राहुल जी का कार्यक्रम पहले से लगा था, और आज स्मृति ईरानी ने भी कार्यक्रम लगा दिया। ये क्या है? ये घबराहट है, राहुल गांधी की घबराहट है, क्योंकि यहाँ की जनता की सेवा दिल और जान से किया है, पीढ़ियों से किया है।